दिग्रज 2020 के पहले शुक्रवार को तीन हॉलीवुड की फिल्म्स रिलीज हुई है, उनमें से एक है दिग्रज, उसके अलावा एक बॉम्बशेल है और तीसरी फिल्म है कैट्स। अब बॉम्बशेल और कैट्स तो मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन फिर भी समय मिलेगा तो उनको देखकर भी मैं रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो दिग्रज ये फिल्म दिग्रज इस अमेरिकन फिल्म सीरीज का रिबूट है, और या उसके रिबूट की पहली फिल्म हम इसे कह सकते हैं। और जो अमेरिकन दिग्रज फिल्म सीरीज है पहले वाली, वो भी जापानीज दिग्रज फिल्म सीरीज का रीमेक है। और जितना मैंने पढ़ा है कि जो पुरानी वाली अमेरिकन फिल्म सीरीज थी दिग्रज, उसे भी उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था उसका पहला पार्ट छोड़कर। फिर भी पता नहीं इसे उन्होंने रिबूट करने का क्यों सोचा, क्योंकि आज जब मैं फिल्म देखने के लिए थिएटर में गया तो मुझे फिल्म में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं लगा या कुछ भी ऐसा नयापन नहीं लगा कि उनको रिबूट करने की ज़रूरत पड़ गई। इससे बढ़िया हॉरर फिल्म्स तो हम 80-90 के दशक में ही देख चुके हैं हॉलीवुड की, और आप एक पुरानी फिल्म सीरीज को रिबूट कर रहे हैं तो कम से कम आप उसमें कुछ तो नयापन लाइए। चलिए कुछ आप कुछ कैरेक्टर्स बढ़ाइए या कहानी में कुछ नया ट्विस्ट डालिए, कुछ भी ऐसा मुझे नयापन लगा नहीं। और ये पूरी जो फिल्म सीरीज है, इसका ही जो कंसेप्ट है, जैसे कि एक हॉन्टेड हाउस है, उस घर में जो भी जाता है वो शापित हो जाता है, और उसके बाद में वो घर उस व्यक्ति का जीवन नर्क बना देता है, उसे डरा डरा कर सता सता कर वो घर उसे मार डालता है उस व्यक्ति को, जो भी उस घर में पैर रखता है, कदम रखता है। अब आप ही बताइए इस कंसेप्ट में ऐसा क्या नयापन है। वैसे मैंने इसकी ओरिजिनल फिल्म्स तो देखी नहीं है, पर जहाँ तक बात है इस फिल्म की जो आज मैंने देखी, तो हाँ कुछ जंप स्केयर्स अच्छे थे फिल्म में, जो हमें थोड़ा बहुत डराते भी है, पर ओवरऑल फिल्म इसके जो कहानी है, कैरेक्टर्स है, वो बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं थे। ना ही हम उन कैरेक्टर्स के बारे में केयर कर पाते हैं, केयर करना तो बहुत दूर की बात है। इसका जो लीड कैरेक्टर है वो हमें इरिटेट ज़्यादा करता है, जो एक महिला पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव जिसको दिखाया है, जो इस घर से रिलेटेड एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, दो लाशें वहाँ पर उनको मिलती है, क्योंकि 2004 में एक अमेरिकन महिला टोक्यो जापान से उस घोस्ट को अपने साथ में क्रॉस रिवर पेंसिल्वेनिया में लेकर आई होती है, और तब से ये भूत उनके घर में ही वहाँ पर होता है, और फिर तब से वहाँ पर एक 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 करके जो भी उस घर में जाता है सबको वो घर मारते जाता है। तो इस केस को जो लेडी डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रही होती है वो हमें इरिटेट ज़्यादा करती है। यानी देखिए, जो कैरेक्टर जिसे भूत दिखता है, घोस्ट जिसे दिखता है, उसे रात को घोस्ट दिखता है और सुबह वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। आपने भी ये कई हॉरर फिल्मों में देखा होगा, और ये बात मुझे सच में बहुत इरिटेट करती है जब भी मैं ऐसी कोई हॉरर फिल्म देखता हूँ। चलो एक बार हम समझ सकते हैं, एक बार हम ये मान लेंगे कि भाई मेरा वहम था, मुझे आभास हुआ, कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको दसों बार वो हर रात को आकर परेशान कर रहा है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपको वो घोस्ट आजू बाजू में आपके दिख रहा है, और फिर भी आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, आप उसके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हो, और आप ये दिखाने की कोशिश करो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा आपके साथ में, और ये बात हमें इरिटेट करती है यार, वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं लगता उस कैरेक्टर का। और यहाँ पर भी इस लेडी डिटेक्टिव का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही करता है। हाँ, एक बात जो इस फिल्म की अच्छी थी वो ये कि इसमें जो भयानक चेहरे दिखाए गए हैं, जो मरे हुए जो डेड बॉडीज दिखाई है, वो सच में बहुत घिनौने, सड़े हुए और डरावने थे चेहरे। हाँ, उतना थोड़ा VFX वगैरह, ग्राफिक्स थोड़ा बढ़िया लगता है। एक उंगलियां काटने वाला भी सीन है, एक बूढ़ी महिला अपनी उंगलियां काटती है। इसके अलावा जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, उन्होंने कंटिन्यूसली उस स्टोरी को नहीं दिखाया है, जो वो लेडी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करती जाती है फाइल्स को, तो वो जैसे जैसे फाइल्स पढ़ती है वैसे वैसे टुकड़ों टुकड़ों में फिर हमें फ्लैशबैक और वो पूरा हिस्ट्री उस घर की हमें दिखाई है, कैसे कैसे वहाँ पर हत्या वगैरह हुई है, पर वो हमें फिल्म के साथ में उतना एंगेज नहीं हो पाते वो सब हम देखते समय। बस अगर आप कुछ डरावने सीन्स, कुछ जंप स्केयर्स देखना चाहते हैं बस म्यूजिक वगैरह से, और अचानक से कोई सामने आ जाए तो ये सब देखकर आप डरना चाहते हैं, तो हाँ एक बार आप इस फिल्म को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे बगैर देख सकते हैं, पर कहानी या स्टोरी या कैरेक्टर्स आपको कुछ बहुत अपने साथ में बांध कर रखेंगे, ऐसी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिग्रज इस 2020 की फिल्म को दूंगा 4/10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।